लास्ट वर्क हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे है ना, आज देखेंगे एक्सरसाइज चैप्टर सिक्स में एक एक्सरसाइज हमारा छूटा था, ठीक है। और क्योंकि उस समय सिलेबस ऐसा लगा कि कम हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ, तो हम 6.1 को मैं छोड़ा था। आज इसको रिपीट कर रहा हूँ हर वीडियो में, छूटा हुआ पार्ट रिविजन हो रहा है। पहला एक्सरसाइज है आपका एक्सरसाइज 6.1, राशियों के परिवर्तन की दर, ठीक है। यह है डीवाई बाई डीएस हमारा क्या है, तो देखो हम इसको जनरली क्या जानते हैं, अवकलन वाई का एस के सापेक्ष, लेकिन हम दूसरे शब्दों में इसको ऐसा भी लिख सकते हैं वाई के सापेक्ष एक्स के परिवर्तन की दर को dy/dx से लिखते, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, देखो अगर जब x व y का मान t के सापेक्ष परिवर्तित होता है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dy/dx बराबर dy/dt अपॉन dx अपॉन dt। तो बहुत ही छोटा फंडामेंटल है इसमें, बहुत ही आसान, ठीक है। इस तरीके से ये dy/dx जो है, ठीक है, ये y के सापेक्ष x से परिवर्तन की दर को हम इससे लिखते हैं, जब एक्स वाई का मान t के सापेक्ष परिवर्तित होता है तो dy/dx बराबर dy/dt अपॉन dx अपॉन। अब है क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट, पहला क्वेश्चन है। बहुत सब क्वेश्चन इसी की जैसे हैं, एकदम आसान है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इधर इसकी त्रिज्या आर के साथ ज्ञात कीजिए, जबकि आर बराबर है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। सबसे पहले देखो इसका जो क्वेश्चन होगा ना, क्वेश्चन को पढ़ोगे, ये जरूर एक लाइन उनको देखना है कि जो परिवर्तन की दर है वो किसके सापेक्ष हो रहा है, किसके सापेक्ष हो रहा है, त्रिज्या आर के सापेक्ष, है ना। यानी अब देखो सबसे पहले हमको इसमें जाना होगा कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है a बराबर पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये इसके सापेक्ष क्षेत्रफल परिवर्तित हो रहा है आर के सापेक्ष, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, dA अपॉन dr। तो इधर भी आर के सापेक्ष किसका अवकलन कर देंगे, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और ये इसका अवकलन पाई बाहर आएगा, ये आपका आएगा आर स्क्वायर इक्वल टू 2πr, ये आ गया dA अपॉन dr 2πr, ठीक है। लेकिन बोल रहा है कि परिवर्तन आपको कहाँ पर निकालना है, जब r इज इक्वल टू 3, तो बहुत आसान है, हम आखिरी में क्या करेंगे, dA बाई dr और r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर होते हैं, यहाँ पर आ जाए 2π × 3 = 6π² तो क्षेत्रफल है ना, इसलिए क्षेत्रफल की इकाई क्या होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम, ये हमारा पहला क्वेश्चन लग गया, ठीक है।
चलो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू है एक घन का आयतन आठ सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। तो पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? दर से बढ़ रहा है जबकि इसके किनारे की लंबाई लंबाई 12 सेंटीमीटर है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब क्या बोला, सबसे पहले जब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो हमको ये देखना है ना कि एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहा है, मतलब परिवर्तन किसके सापेक्ष हो रहा है? समय के सापेक्ष हो रहा है। किसके सापेक्ष हो रहा है? समय के सापेक्ष, है ना। तो पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि इसके किनारे ने पहले तो हमको आयतन दिया परिवर्तन, फिर पूछता है पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि हमारा इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है ना। तो देखो घन का आयतन, घन का आयतन ये बराबर है 1 सेंटीमीटर की और सेकेंड। घन का आयतन बी इक्वल टू कितना, एक घन का आयतन कितना होगा ए क्यूब इक्वल टू एट दिया है ना। लेकिन सेंटीमीटर पर सेकेंड मीन्स हमको जो दिया है एक, ये जो हमको भी नहीं दिया है, घन का आयतन दिया हुआ है इस दर से बढ़ रहा है, मतलब ये दिया है डी वी बाई क्यू वी, ये नहीं लिखेंगे घन का आयतन, यहाँ हम लिखेंगे ए क्यू आयतन। आयतन का परिवर्तन दिया, क्या दिया क्वेश्चन में, आयतन का परिवर्तन जो है वो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड से हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाए डी वी बाई डी वी बराबर ए ए डी ए दिया है। तो यहाँ डी बी डी डी इक्वल टू कितना है ए क्यूब इज इक्वल टू एट डिफरेंशिएशन ऑफ ए क्यूब 3 ए स्क्वायर और डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू एट दिस इम्प्लाइज दैट डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 8 अपॉन 3 ए स्क्वायर। ठीक है ना। चलो अब आगे बताती है अगला लाइन, ये तो इस लाइन की बात निकली हुई। अब बोल रहा है इसके पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो देखो पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, एस इज इक्वल टू होता है 6 से स्क्वायर, यह है घन का पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र है ना। तो डी एस अपॉन डी टी, देखो जब आयतन समय के सापेक्ष बदलेगा ध्यान रखना, तो पृष्ठ क्षेत्रफल भी समय के सापेक्ष ही बदलेगा। तो यह आ जाएगा 6 डी बी बी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2a इंटू डी ए अपॉन डी डी और ये आ जाएगा 12a डी ए अपॉन डी डी 12a इंटू डी ए अपॉन डी डी ऊपर से मान रख दो 8 अपॉन कितना है 3a स्क्वायर, ये इससे कट गया और ये भी अपना कट गया ये। तो यहाँ पर आ जाएगा 32 बटे आ जाएगा 32 होके ए। तो ए का मान कितना दिया है इसमें, ए का मान दिया है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब ये जो डी एस बटे डी टी है ये वाली जो लाइन है इसके परिवर्तन की दर हमको निकालना जब किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आ जाएगा डी एस अपॉन डी टी और
यहाँ पर कितना ए ए इक्वल टू आर इक्वल टू 32/12 है ना। तो अब इसको देखो 4 3 4 8 आंसर आ गया 1/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, तो हम ऐसे करके ये आपका आंसर आ गया सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमको वही देखना थी, है ना, पहले हम पता करेंगे किसके सापेक्ष वो परिवर्तित हो रहा है, अपन मान लिखेंगे और फिर हर एक स्टेप में पढ़ते जाएंगे। एक क्वेश्चन देखो, ये तो हो गया तुम्हारा, एक घन का भी हो गया, एक दूरत्व का भी हो गया। अपन एक आते हैं गोले में, गोला मतलब गुब्बारा, है ना। एक क्वेश्चन देखो, गुब्बारे क्वेश्चन 9, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है की त्रिज्या परिवर्तन है, त्रिज्या के सापेक्ष सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, जबकि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर गुब्बारा। देखो क्या दिया है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है कि त्रिज्या क्या लिखा है इसमें, गुब्बारे त्रिज्या के समान। सबसे पहले हम क्या ढूंढना है, परिवर्तन किसके सापेक्ष हो रहा है, ठीक है ना। हमको क्लियर दिख रहा है कि ये परिवर्तन त्रिज्या के सापेक्ष हो रहा है, ठीक है ना। लिखा ना त्रिज्या परिवर्तनशील है, त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन की दर। आप ज्ञात करने त्रिज्या तुम देखो, पहले हम लिखेंगे अब गोले का आयतन का सूत्र कितना है, 4/3/2 गोले का आयतन का सूत्र। गोला क्या है, गुब्बारा मतलब गोला हो गया ना, गोले का आयतन का सूत्र बैलून। अब बोलना है त्रिज्या के सापेक्ष मतलब dv/dr, ये आ जाएगा बाहर और dr/r³ ये आ जाएगा 4π/3 और r³ = 3r² कैंसिल हो जाएगा 4π r² पर बोल रहा है कि ये जो परिवर्तन है dv/dr का ये कब है। आप ये जो परिवर्तन है ये कब है, जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर मतलब जो है dv/dr ये हमको तब निकालना है जब r कितना है 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम रख देंगे 4 × π × 10² और इज इक्वल टू आ जाएगा 400 π² सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ जाएगा अपना आंसर इसका, ठीक है। तो ऐसे करके हम इसको कर सकते हैं, एक गुब्बारा है जो सदैव गोलाकार रहता है ना। तो इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं हमको सब में से क्या करना है, पहले ही देखना है ये किसके सापेक्ष परिवर्तित हो रहा है, ठीक है ना। और उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर उसके बाद हम परिवर्तन वाला जो फार्मूला है हमारा, जैसे गुब्बारा है गोला का, गुब्बारे मतलब आपको क्या हो गया गोला, गोले का आयतन का हम सूत्र लिख दिए। अब किसके सापेक्ष परिवर्तित हो, त्रिज्या के सापेक्ष, तो dv/dr = 4π/3π/dr³ और इज इक्वल टू 4π r² हो गया, है ना। तो इस तरीके से dv/dr r = 10
या सेंटीमीटर अपने यहाँ मान रख दिए, ये आ गया 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से ये जो तुम्हारा तो जो भी स्टोरी में क्वेश्चन हैं सब में इसी टाइप से एक ही फंडामेंटल बहुत छोटा सा है, उसी से आपके सारे प्रॉब्लम इसके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे करके अपन इसको देख सकते हैं। तो किसी भी आगे जो है किसी को भी किसी भी तरीके से अगर कोई प्रॉब्लम होता है वो बात कर सकता है, लेकिन कमेंट बॉक्स में आपको जा करके इसको जरूर करना है ना, इसको देखना है। और कुछ क्वेश्चन जो मैं आप दे रहा हूँ है ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप वीडियो देखेंगे और मेरे पर्सनल व्हाट्सएप में सभी को इसका सॉल्व करके आपको भेजना है, ठीक है ना। क्वेश्चन है फर्स्ट, यदि y बराबर है e की पावर x, e की पावर 4x, तो dy by dx क्या करेगा। और सेकेंड है यदि a बराबर 1 2 3 4, b बराबर 3 4 1 5, तो 2a plus b क्या करेगा। पूरा वीडियो देखेंगे और इसके बाद जो है हम इसको है ना इसको क्या करेंगे, आप सॉल्व करेंगे, इसका आंसर कर देंगे और वीडियो देखने के बाद इसका आंसर मेरे पर्सनल व्हाट्सएप में पोस्टरों को भेजेंगे, ठीक है। धन्यवाद।